हैं लोग जो है बैंकॉक का लोग क्वालिफाई किए हैं बहुत जो है, तो यहाँ इस मीटिंग में जो लोग बैठे हैं वो लोग भी फॉरेन ट्रिप का ऑलरेडी जो है दो दो तीन तीन चार चार कर चुके हैं सर पीएनबी मेट लाइफ के द्वारा। तो ये जो है और आगे क्वालिफाई करने के लिए जो है हम लोगों के पास बहुत ऑप्शन है, और इसमें जो है अब आरएनआर का समय आ गया है, तो हम लोग जो है जो जो लोग अच्छा किए हैं वो यहाँ आएंगे और बहुत से जो है सर्टिफिकेट लेंगे। राजकुमार लंदन के लिए जो कि पीएनबी मेटलाइफ से पिछले साल में एमडीआरटी किया है, सोचो ये रूम में भी आप में से बहुत सारे लोग मे भी शायद यूपी में घुमा होगा, इंडिया में घुमा होगा, बट आप लोग फ्लाइट लेंगे बाहर की तरफ, राइट, कुआलालंपुर जाएंगे, इस्तांबुल जाएंगे, अगले साल भी कुछ कॉन्टेस्ट आएंगे, जब आप विदेश यात्रा करेंगे बिलीव मी आप लोग बहुत खुश होंगे, बट साथ साथ में जो लोग हम लोग है आपके साथ जो काम करते हैं ना, जब हम लोग बाहर आपको मिलते हैं हमारे खुशी तो अलग ही लेवल को होता है, हमको लगता है कि वाह हमारे जो बिजनेस में हमारी नो ये कंपनी के थ्रू बहुत सारे लोगों की ये सपना भी पूरा हो रहे हैं, उनकी विदेश यात्रा की सपना पूरा हो रहे, उनकी इनकम जेबी बता रहे करोड़पति बनने का जो सपना वो पूरा हो रहे, वो देख के हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे भी ये दुआएं मिलते रहेगा। यस सर, यस सर, अगले जन्म में मुझे भी अच्छा जन्म मिलेगा ना, अच्छा लाइफ, यस सर, क्योंकि देखो हमारे थ्रू बहुत सारे लोगों को ये बदलाव उनकी लाइफ में आ रहे, वो भी बाहर जा रहे, वो भी एक बार बोलेगा भगवान ये कंपनी में मैं आया संजय की वजह से आया, आज उसके वजह से मेरे अकाउंट में पैसा आएगा, ऑटोमेटिकली संजय को भी ब्लेसिंग्स मिल रहे, मुझे भी मिल रहे थोड़ा सा उसमें से, जयवीर को भी थोड़ा सा मिल रहे उसमें से, तो ऑटोमेटिकली हमको बहुत ही अच्छा ये मिल गया। तो इसलिए मुझे लगता है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री के जैसे बेहतर इंडस्ट्री, बेस्ट इंडस्ट्री कोई और इंडस्ट्री नहीं है, कोई और इंडस्ट्री नहीं है, शायद आप टीचर बोल सकते हैं अच्छी प्रोफेशन है, डॉक्टर बोल सकते हैं अच्छी प्रोफेशन है, उसमें भी बहुत सारे खूबियां है, बट इतने सारे खूबियां, राइट, वो मुश्किल टाइम में मदद करना, ड्रीम्स को फुलफिल करना, राइट, फॉरेन घुमाना, पैसा कमाना, ये सारी चीज इकट्ठा आना, आई थिंक एक ही इंडस्ट्री में वो है इंश्योरेंस की इंडस्ट्री। अगर आपको इंश्योरेंस की इंडस्ट्री में सक्सेस पाना तो मैं एक मंत्र बताऊंगा और उसके बाद वी कैन कंटिन्यू विद द रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम। देखो मेरा सक्सेस इंश्योरेंस में 20 साल से हूं, मैं इसलिए सक्सेसफुल हूं क्योंकि मैं इंडस्ट्री से बहुत प्यार करता हूं, जैसे मैंने आपको तीन एग्जांपल बोला, तीन रीजन बोला, अगर आपको कोई भी क्षेत्र में सक्सेस पाना है वो क्षेत्र को आपको पसंद करना बहुत जरूरी है। कपिल देव ने बोला कि सारे यंगस्टर्स आज आके बोलते हैं कि क्रिकेट बहुत प्रेशर है, इंडिया पाकिस्तान की मैच में बहुत प्रेशर है, राइट, ये बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है इसलिए नहीं करते हो, कपिल देव बोलते हैं कि अगर प्रेशर है, अगर आपको बहुत मेहनत करने की इच्छा नहीं है क्यों खेल रहे आप, क्यों खेल रहे हैं ना, अगर आप खेल को पसंद करेंगे, क्रिकेट को पसंद करेंगे तो आपको कोई प्रेशर नहीं आएगा, आपको पसंद है क्रिकेट खेलना, बॉल करो मैं बैट करूंगा, लेकिन बॉलर है तो मेरा इंटरेस्ट है कि बॉल करो विकेट मुझे निकालना है, अगर आपको वो क्षेत्र को आप पसंद करोगे तो आपको कोई प्रेशर नहीं आएगा, आपको कोई डर नहीं आएगा, आपको कोई लैक ऑफ मोटिवेशन नहीं आएगा। बट इंश्योरेंस में जो लोग आते हैं एक ही प्रॉब्लम होती है, दो तीन लोगों को मिलके उनकी सक्सेस जब नहीं आते उनके वो नो इंडस्ट्री के ऊपर जो प्यार है या इच्छा है वो काम करने का वो खत्म होना शुरू हो जाता है, वो डिमोटिवेट हो जाते कि ये इंडस्ट्री में बहुत तकलीफ है, लोग कोई पॉलिसी नहीं लेता, ये सोच के वो लोग छोड़ना स्टार्ट होते हैं। तो मेरे एक ही रिक्वेस्ट है, मैंने आपको जो भी अभी तक बोला है वो सच्ची बोला है, इंश्योरेंस में जो काम करेंगे ऑफ कोर्स आपकी इनकम बहुत बड़ा होगा, बट साथ साथ में आप जो कर रहे हैं बहुत ही बढ़िया चीज कर रहे हैं, राइट, कस्टमर्स के लिए। तो ये सोच के अगर 10 कस्टमर भी आपको मना कर देना, सोचना कि ये 10 कस्टमर आज मना किया है अगले साल मेरे से वो लेगा 100% लेगा, बट मैं 11 के पास जाऊंगा, 12 के पास जाऊंगा, 13 के पास जाऊंगा, एंड बिलीव मी इफ यू कीप मीटिंग पीपल, लोगों को मिलते रहोगे कुछ लोग आपको प्रीमियम देना शुरू होगा, आपकी कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा। तो बड़ा सपना देखना शुरू करो क्योंकि इसमें कोई लिमिट नहीं है पैसा का, पीएनबी मतलब ये नहीं बोलने कि आप इस साल 10 लाख ही कमा सकते हैं, कितना भी कमाने में। दिल्ली में था परसों तो एक हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है कटियाल साहब की पिछले साल की इनकम 90 लाख रुपए था पीएनबी मेटलाइफ से, 90 लाख रुपए सेलेक्ट में या अलग अलग कॉन्टेस्ट सब मिला के 90 लाख रुपए की इनकम कमाए थे हमारे
एक डिस्ट्रीब्यूटर, उनकी घर में कोई पैसे का कमी नहीं था, राइट, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, पर उसके साथ साथ ये बिजनेस बैक है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी को उनको जितना पैसा मिल रहा है उसकी 5 गुना पैसा उनको इधर से मिली है बीएनबी टाइप से, राइट, आप सोचिए। तो ये प्रोफेशन में कोई लिमिट नहीं है पैसा कमाने का, सपना जितना ऊपर देख सकता आप देख लो, और उसके बाद रोज मेहनत करो, साथ साथ में अपने ट्रेनिंग करके स्किल भी बिल्ड करोगे तो ऑटोमेटिकली आप बहुत सक्सेस पाएंगे। अगले बार जब मैं आऊंगा गाजीपुर में और मुझे इसके लिए बुलाना कि देखो सारे लोग इतना पैसा कमाया और उसकी सेलिब्रेशन करने के लिए हम गाजीपुर में आएंगे, राइट, तो कमाना बहुत अच्छे से ऐसे होना चाहिए कि गाजीपुर में और बड़ा ब्रांच हम खोलें और मैं भी 2-3 ब्रांच खोले, क्योंकि आप लोग अगर ताकत दिखा दिया तो ऑटोमेटिकली हमारे ज्यादा ज्यादा ब्रांचेस ओपन कर सकते हैं। बट मोर इम्पोर्टेंट इज दैट यू अर्न गुड मनी, आपके अकाउंट में बहुत पैसा आना चाहिए, राइट, ये सोच के आज से हम एवरीबॉडी विल वर्क टुगेदर। बिलीव मी, जेबी बता रहे कि ज्यादा लोग बाहर जाएगा तो कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, ये सुन लो, कॉम्पिटिशन नहीं बढ़ेगा, आप लोग के लिए आसान हो जाएगा। क्यों आसान हो जाएगा? सारे लोगों को पता चल जाएगा, एग्जैक्टली सारे लोगों को पता चल जाएगा कि पीएनबी मेटलाइफ आया है गाजीपुर, राइट, सारे बॉल, इट इज लाइक एन एडवर्टाइजमेंट, नो, आप 100 लोग 200 लोग 500 लोग मार्केट पे जा रहे हैं और बोल रहे कि पीएनबी मेटलाइफ आया है, पीएनबी मेटलाइफ का प्रोडक्ट है, तो मार्केट पे कुछ दिनों के बाद तो पता चलेगा कि पीएनबी मेटलाइफ की सेंचुरी बढ़िया है, एमजीएफ बढ़िया है, देन आपको कॉम्पिटिशन शुरू होगा कि आपको मिलेगा या कि आपके कोई दोस्त को मिलेगा, देन कॉम्पिटिशन शुरू होगा। और ब्रांच आ गया तो आपकी इनकम 10 गुना होना चाहिए, क्योंकि आज तक आप जो बिजनेस करते थे आपको एक सवाल आते थे कस्टमर से कि आपकी ब्रांच कहाँ है, राइट, और वो बहुत छुपते थे हमको और हम वो सवाल से डरते थे, अगर आ गया तो मेरा पॉलिसी क्या, राइट, क्योंकि बोलना पड़ेगा कि वाराणसी में ब्रांच है, तो कोई और कंपनी बोलेगा कि मेरे पास इधर ब्रांच है तो आपके बिजनेस आज से जा सकते हैं, कस्टमर की ट्रस्ट थोड़ा कम हो सकते हैं, बट आज वो प्रॉब्लम नहीं है, आज से वो प्रॉब्लम नहीं है आपको। तो आप जितना भी इनकम अभी तक कमा रहे हैं ना, इसे सोचना कि मैं 10 गुना और कमाऊंगा, क्योंकि आज मेरे पास वो ताकत है बोलने के लिए सर हमारी ब्रांच ये बिल्डिंग में, ये नीचे का टेक्सटाइल की दुकान कहता ना फैमिली बाजार, भाई फैमिली बाजार के ऊपर हमारी ब्रांच है, सेकंड फ्लोर में हमारी ब्रांच है सर, आप प्लीज आ जाइए एक दिन ऑफिस में, राइट, आपको बोलने के बोलेगा तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर भी वो कॉन्फिडेंस आएगा, उनके अंदर भी बड़ा चेक देने का कॉन्फिडेंस आएगा, उससे उनके लिए भी भला है और आपका भी इनकम बहुत बड़ा होगा। 10 गुना सोच लेना कि इनकम बढ़ाने के बारे में, राइट, अभी तक 10 लाख रुपए कमा रहे थे, सोचे 1 करोड़ कमाऊंगा मैं, 1 करोड़ कमाऊंगा ये बिजनेस, एंड हो जाएगा, साल में हो जाएगा 1 करोड़ की इनकम, राइट। सो विद दैट विश यू ऑल द बेस्ट, डू वेरी वेल एंड मेक योर मार्क, थैंक यू सो मच। थैंक यू बॉस। आप इनकम बढ़ाने के बाद क्या है बॉस, जो है अभी जो लोग अच्छा किए हैं उनको जो है सम्मानित करने का अवसर आ गया है, और उस सम्मान के साथ साथ अपना वो लोग इनकम कितना बढ़ा रहे हैं ये टीम जो है सर खुद आगे आकर के बोलती है, और जो बोलती है वो करती है, जिस तरह सर आपने जो बोला वो करके दिखाया, उसी तरह जो है ये टीम भी अब तक जो जो बोली है वो सर की है। ये टीम जो है बॉस को 3 दिन के अंदर दुबई का जो है कंटेस्ट क्वालिफाई करके दिखाया है, 15 दिन के अंदर जो है कल हमने किसी को मिला वो बोला कि पहले बार ये इंसान इंडिया से बाहर जा रहे हैं, वो भी लंदन ही जा रहे हैं, राइट सोनी, राइट सोनी, आप सोचो पहले बार वो इंडिया से बाहर फ्लाइट